इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने। अच्छा अरमान भाई, मालूम ही करते हैं कि अगर कोई शख्स जो है वो अकीका करे लेकिन वो जानवर ज़िबा ना करे, बल्कि बाज़ार से 50-60 किलो गोश्त जो है वो ख़रीद के बनवा के और लोगों की दावत कर दे रिश्तेदारों की, तो इस सूरत में अकीका हो जाएगा या नहीं होगा? तो इस सूरत में तो अकीका जो है वो नहीं आएगा, महज ये कि दावत हो जाएगी, क्योंकि इसमें जानवर ज़िबा करना भी नहीं पाया जाएगा। और एक बात ये कि जो गोश्त आप लाएँगे 50-60 किलो, वो ये एक ही जानवर से, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो इसके उसमें आप हिस्से का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि उसमें जानवर का एक हिस्सा होगा या दो हिस्से आपने ले लिए, इस तरह भी नहीं कर सकते। या तो बड़े जानवर में हिस्से ले कर उसको अकीका किया जा सकता है, या फिर ये कि एक जानवर ज़िबा करके अकीका किया जा सकता है। और अगर 50-60 किलो की जैसे गोश्त की बात है, तो तकरीबन जैसे मान लीजिए अगर 60 किलो भी आप लेते हैं तो 200 रुपये किलो भी अगर आपके शहर में होगा, तो यानी दिल्ली में तो करीब इतना ही है, आपके शहर में 200 भी होगा तो अगर 60 किलो गोश्त भी देखेंगे तो 12,000 रुपये का होगा। और 12,000 रुपये में शायद बकरा बहुत आसानी से, बल्कि 10,000 रुपये तक में बकरा आसानी से आ सकता है। तो उसमें यानी बकरा बनवा कर भी जानवर ज़िबा करके उसमें कुछ लोगों की अगर दावत है, ख़ास रिश्तेदारों की, कर देंगे तो इस सूरत में भी अकीका हो जाएगा, क्योंकि मकदार जो है ना गोश्त की थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ये कि कीमत लगभग वही बैठेगी जो आप 50-60 किलो गोश्त ख़रीदेंगे उससे जानवर ख़रीदा जा सकता है, यानी बकरा या बकरी उससे ख़रीदी जा सकती है। तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी 50-60 किलो बाज़ार से ख़रीद कर के करना चाहें तो ये इस तरह से नहीं हो सकता। इनके लब रंगी की मिठावर थी के जिसने।